फिदा को तेरी दीपा तुम ही हो, उजियाल तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आ आप सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। इस महामारी के अंत के लिए विशेष रूप से हम आज छठवां पवित्र मिस चढ़ा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मां मरियम के संग आज शनिवार है कि हमारे देश में से, हमारे शहरों में से, हमारे गांवों में से, हमारे परिवारों से, इस महामारी से हमें बचाएं। जो लोग बीमार हैं इस वक्त, मां मरियम के संग उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मां निरंतर अपने पुत्र के सामने हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करना, चंगाई प्रदान करना। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने पिकवारी धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे भक्तों ने तेरी दया से क्रिस्त में नव जन्म प्राप्त किया है, दया पूर्वक इन्हें अपनी शरण में ले ले ताकि ये संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर तेरे प्रति सदा विश्वस्त बने रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जीव तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 वाक्य संख्याएं 31 से 42 तक। कलीसिया पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली।
उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लद्दा में रहने वाले ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीथा नामक शिष्या रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकास है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं था और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइएगा। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुँचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा, उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 6 पर संज्ञाए 60 से 59 तक। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्यों इस पर बुनबुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब मानव पुत्र को वहां
आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही कहते थे कि कौन विश्वास करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनके साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने बारहों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, गत शुक्रवार से लेकर हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 से पाठ सुनते आ रहे थे। उसी प्रकार ईस्टर के तुरंत बाद से हम लोग प्रेरित चरित्र से भी पाठ सुनते आ रहे हैं। मैंने बार बार बोला हूं, इसी पाठ को ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स कहा जाता है और हम जानते हैं कि यह प्रभु का रोटियों के चमत्कार के साथ आरंभ हुआ था और उसके बाद में पवित्र यूकेरिस्ट की स्थापना के बारे में वे हम सबको बतलाते हैं संत योहन के द्वारा। और संत योहन के सुसमाचार में हम पवित्र यूकेरिस्ट की स्थापना का अन्य कोई भाग नहीं प्राप्त करेंगे। यही पवित्र यूकेरिस्ट के बारे में उनका संदेश है। एक काफी कठिन संदेश है। हम देख रहे हैं कि प्रभु बहुत ही प्रचलित थे, लोग उनसे बहुत खुश थे। इन अध्याय के शुरुआत में हमने सुना था कि किस प्रकार लोग उनको ढूंढते हुए उनके पास आया करते थे। प्रभु बड़े चमत्कार दिखाते थे, भूखों को खिलाते थे, ये देखकर लोग बहुत खुश हो जाते थे और उन्हें अनुगमन करने के लिए हरदम तैयार रहते थे। और वे जहां कहीं पर भी चलते थे, भीड़ की भीड़ उनके साथ चला करती थी। और उसके बाद हम कह सकते हैं, विशेष रूप से कल के सुसमाचार में हमने सुना, इसके व्याख्या मैंने वहां पर नहीं किया था, जीसस ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल, प्रभु एक बड़ा बम को फोड़ते हैं। कौन सा बम उन्होंने फोड़ा था? इतने प्रचंड प्रशस्ति के बीच में जब लोग उन्हें राजा बनाने की कोशिश में है, ताक में थे, तो प्रभु अपनी शिक्षा उनके सामने रखते हैं। उनकी क्या शिक्षा थी? अगर तुम्हें मेरे शिष्य बनना हो, मेरे साथ बने रहना हो, तुम्हें मेरा शरीर को खाना होगा, रक्त से पीना होगा। बड़े विचलित होने वाली एक शिक्षा है ये। प्रभु के शरीर को खाना और उनके लहू को पीना, ये सबके समझ में नहीं आई। जो लोग उनके पीछे चला करते थे, बुनबुनाने लगे और आपस में पूछने लगे, कौन सी शिक्षा है? कौन अपने शरीर को दे सकते हैं? कौन अपने लहू को दे सकते हैं? किसी बड़ा लीडर ने हमारे देश में भी पवित्र यूकेरिस्ट किस प्रकार अवहेलना की थी। उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक महान व्यक्ति ने, एक बड़ा नेता ने हमारे पवित्र यूकेरिस्ट की अवहेलना इस प्रकार की थी। उनके समझ में थोड़ी आया था कि प्रभु किस प्रकार उनके शरीर और उनका पवित्र लहू हमें दे सकते हैं। उस समय भी लोगों ने सवाल किया, इस समय भी लोग सवाल करते हैं। जो इस विश्वास में है वो भी सवाल करते हैं, जो इस विश्वास में नहीं है वे भी सवाल करते हैं। लेकिन प्रभु ने अपनी शिक्षा को जरा भी नहीं चेंज किया है।
उनके शिष्य उनके फॉलोवर्स एक एक करके जाने लगे। जिस व्यक्ति को वो राजा बनाना चाहते थे, जो भीड़ की भीड़ उनके साथ चलाया करते थे, उनमें से सभी लोग प्रायः निकल गए थे। उनके तमाम शिष्य उन्हें छोड़कर जाने लगे थे। तब भी प्रभु ने अपने वचन में जरा भी बदलाव नहीं किया। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था कि मेरे शरीर को नहीं खाना है, मेरे रक्त को नहीं पीना है, मेरे ये मतलब नहीं था। उन्होंने जरा भी अपने वचनों में बदलाव नहीं किया। प्रभु ने वही कहा, अगर तुम्हें मेरे शिष्य बना रहना है तो मेरे शरीर को खाना होगा, मेरे रक्त से पीना होगा। पवित्र यूकरिस्ट की बात वो कर रहे थे। अपने प्रियतम 12 शिष्यों से यही पूछते हैं कि सब चले गए, तुम भी जाना चाहते हो, जा सकते हो। तो प्रभु की शिक्षा पूरी तरह से पवित्र यूकरिस्ट पर आधारित है। ये विश्वास में जो लोग हैं, जो विश्वास में नहीं है, उनमें कुछ लोगों को यह बात समझ आती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है। और उनके कलीसिया में हम देखते हैं कि पवित्र यूकरिस्ट का आदर भी नहीं होता है। लेकिन प्रभु की शिक्षा यह है कि मेरे शरीर को खाना ही होगा, उनके पवित्र लहू को पीना ही होगा। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना करते हुए प्रभु ने यही कहा था, मेरे यादगारी में यह तुम किया करो। पवित्र यूकरिस्ट एक विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे हमें पता चलता है। किसी को नहीं समझ आए, जा सकते हैं, विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु की यह शिक्षा है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु के खुद उनके वचन में कहते हैं, तुमको यह बात समझ नहीं आई, अपने 12 शिष्यों को कहते हैं, तुम भी जा सकते हो, मैं तुम्हें पकड़ के नहीं रख रहा हूं, जा सकते हो। पवित्र यूकरिस्ट की बात नहीं समझ आई, तुम भी जा सकते हैं। लेकिन प्रभु की शिक्षा यही है कि पवित्र यूकरिस्ट प्रभु का शरीर है, पवित्र यूकरिस्ट में उनका लहू है, और उसी को सारे विश्वासियों को ग्रहण करना है उनमें बने रहने के लिए। पवित्र यूकरिस्ट का कितना हमारे कलीसिया में इंपॉर्टेंस है, इससे हमें पता चलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पवित्र कैथोलिक कलीसिया में हमें वचन भी है और उसके साथ संस्कार भी है। पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा संस्कार है, जिसके द्वारा प्रभु हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ हम एक हो जाते हैं। आपको नहीं बात समझ आई, आप जा सकते हैं, प्रभु कहते हैं। पवित्र यूकरिस्ट हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु की उपस्थिति है। अनेक चमत्कारों के बारे में हमने सुना है, जब रोटी सच्चे शरीर के टुकड़े में, हृदय के टुकड़े में जब बदल गया हो, जब प्याले से पवित्र खून निकला हो, और अभी भी बहुत सारी जगह पर इससे घटनाएं घटती है। विश्वास जहां पर भी कमजोर हो जा रहा है, वहां प्रभु अपने आप प्रकट करते हैं। पवित्र यूकरिस्ट हर एक विश्वासी का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जहां पर प्रभु के साथ में हर एक विश्वासी एक हो जाते हैं, हर एक विश्वासी के साथ में प्रभु एक होते हैं। आदर और सम्मान के साथ में इस पवित्र यूकरिस्ट में हम सभी भाग ले। आमीन। I'm not afraid to die.
बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर, तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग कर ज्ञानंतु उपहार प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु ये बात सभी उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के तेरा गुणगान करें। जब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले दीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले दीनों धाम। पहले दीनों पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे
प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो और इसमें सिखाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसी लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्राइस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा। इनी प्रभु क्राइस्ट के द्वारा इनी के साथ और इनी में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगा युग तेरा ही है। हम समेल का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो जिससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति से देखता प्रदान कर, तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पवित्र युग ग्रीस में उपस्थित प्रभु यीशु, मैं आप में पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप स्वयं इस पवित्र युग ग्रीस में उपस्थित हैं। मैं स्वयं को, मेरे सभी सगे संबंधियों को, परिजनों को, हमारे परिवार को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे समाज को, हमारे देश को आपके पवित्र हृदय पर समर्पित करता हूँ। इस वक्त जब हम सभी बहुत बड़ी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, आपके पवित्र लहू का सामर्थ्य हमें हर वक्त प्रदान कर, उससे बल पाकर, उससे शक्ति पाकर प्रभु इस समय से गुजरने के लिए हमें हरदम तैयार करें। जो लोग बीमार हैं प्रभु, फिर से हम आपके चरणों में उन्हें समर्पित करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इस महामारी प्रभु जल्द से जल्द समाप्त हो, फिर से हमारे जीवन पुनस्थापित हो, प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख, तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा।
दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। शीश देता सदा से